महाराज जी ने पूछा, महाराज इस भागवत की और महिमा क्या है? तो सनत कुमारों ने कहा, सुनो नारद जी, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता बिमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शकामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव, सुनो, पंचोग्र पाप करता रहता है, समस्त पाप कर चुका है, और पाप करते करते ही वो इंसान मर जाए, तो मरणोपरांत भी ऐसी पापी आत्मा को भी भागवत सुना दिया जाए ना, तो वह पापी आत्मा भी मुक्त होकर भगवत धाम को चली जाती है। यह है भागवत जी की महिमा। सोचो, जब मरने के बाद भी मुक्त करती है प्यारे, तो जिंदा में मुक्त क्यों नहीं करेगी? मरने के बाद भूत प्रेतों को भी मुक्त कर देती है भागवत। हम लोग तो फिर भी जिंदा हैं। शर्त यह है, ध्यान से सुनो तो, मस्ती में सुनो तो, परीक्षित की तरह समर्पित होकर सुना जाए तो। नारद जी ने कहा कि बाबा मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मरने के बाद भी मुक्त करती है। अरे भाई, जीते जी मुक्त करे वो तो समझ में आती है, लेकिन मरने के बाद? सनत कुमारों ने कहा कि अतिशयोक्ति नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऐसी घटना का साक्ष्य भी है। भूतकाल में एक बार तुंगभद्रा नदी के तीर पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। नाम है उनका आत्मदेव, और बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे। एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ब्राह्मण तो बड़े सदाचारी थे, बड़े धर्मज्ञ थे, धर्मनिष्ठ थे, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट हृदय थी। नाम ही है उसका धुंधली, सारा काम भी धुंधला ही था। कैसी है पत्नी? लोकवार्ता रता, क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कलह प्रिया थी, लड़ाई झगड़े करने वाली, एक नंबर की लड़ाकू। पूरे पड़ोसियों से लड़ना झगड़ना उसका चालू रहता था, बड़ी लड़ाकू थी। और लोकवार्ता रता, दुनिया के प्रपंच में तो ऐसा मन लगता था उसका, मोहल्ले के औरतों को बिठा करके दुनिया के प्रपंच करना। और बड़ी कंजूस थी। अक्सर ऐसा होता है, पति पत्नी दोनों एक स्वभाव के नहीं होते। 99% संसार में ऐसा देखा गया है, दोनों एक जैसे नहीं होते। पत्नी चरणामृत की प्रेमी होती है तो पति देवता वीर के प्रेमी होते हैं। पत्नी कथा की प्रेमी होती है तो पति देवता फिल्मों के प्रेमी होते हैं। अक्सर विवाह के पहले जो कुंडली मिलाई जाती है ना, उसमें तो कितने गुण मिलते हैं, लेकिन शादी हो जाए ना, 3 साल के बाद पता चलता है कि एक भी नहीं मिलता है, सब कुंडली में मिला रहता है। एक भाई ने मुझे एक बार कहा था कि बाबू, शादी के पहले पत्नी चंद्रमुखी दिखाई देती है, जब रिश्ता फिक्स हो जाता है ना, तो पत्नी चंद्रमुखी लगती है। शादी हो जाए बाद में वही पत्नी चंद्रमुखी से सूर्यमुखी हो जाती है। और 3-4 साल बीत जाए ना, फिर पूछो कि भैया अब क्या अनुभव है, बोले अब तो ज्वालामुखी लगती। अक्सर दोनों के स्वभाव अलग अलग होते, दोनों का स्वभाव एक हो ना, तो भगवान को 2 फूल और ज्यादा चढ़ाना भाई, गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। वरना तो अक्सर ऐसा होता, दोनों अलग अलग स्वभाव। मैंने अक्सर कथाओं में कहा है कि एक भाई, शादी हुई उसकी,
तो घरवाली एक महीने के बाद मायके जा रही थी। पहली बार मायके जाती है ना, तो शादी के बाद पहली बार जब पत्नी मायके जाने लगी तो उसका पति बड़ा रो रहा था, बहुत रो रहा, फूट फूट कर रो रहा था, बार बार पत्नी को गले लगाए और रोए जा रहा था। तो पत्नी ने कहा, इतनी क्यों रोते हो जी, 10 दिन के लिए ही तो जा रही हूं, लौट आऊंगी। रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया और वहां भी रो रहा है। पत्नी ने कहा, जी शर्म तो करो, दुनिया देख रही है, क्या सोच रहे होंगे लोग, रोए जा रहा है। बड़ा प्यार था पत्नी से उसको। तब उसने देखा कि ट्रेन आने में थोड़ी विलंब थी, दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर एक आदमी अकेला बैठा है सीट पर और वो भी रो रहा है। तब उसको आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो घरवाली के लिए रो रहा हूं, वो क्यों रो रहा होगा। तो उसके पास गया, पूछा कि बड़े भाई क्यों रो रहे हो। उसने कहा, मैं अकेला थोड़ी रो रहा हूं, तुम भी तो रो रहे हो। अरे लेकिन मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी घरवाली जा रही है। बोले, तुम इसलिए रो रहे हो ना कि घरवाली जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिस ट्रेन से तुम्हारी जाने वाली है ना, उसी से मेरी आने वाली है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब कल से हमारा क्या होगा। दोनों का स्वभाव जल्दी मिलता नहीं, हाँ, दोनों अलग अलग स्वभाव। ब्राह्मण बड़ा सदाचारी था, पत्नी बड़ी ही लोकवार्ता में रहने वाली। भगवान की बड़ी कृपा थी उस ब्राह्मण पर, धन संपदा बहुत था, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन एक कमी थी, कोई संतान न थी। और मजे की बात यह कि उसकी पत्नी को कोई टेंशन नहीं थी। ब्राह्मण को चिंता होती है, धुंधली को कोई चिंता नहीं। और दुखद घटना यह, उसके घर में गाय है, उस गाय को भी कई सालों से कोई बछड़ा नहीं, कोई बच्चे नहीं। और ब्राह्मण जब भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है, 10 दिन के बाद वो पौधा सूख जाता है। ब्राह्मण बेचारा बड़ा दुखी रहता है इस बात से, मन में अपराध बोध उसको लगता है। तब पड़ोसियों ने और कृपा कर दी, सुबह से शाम तक कोई ना कोई ब्राह्मण से मिलता और ऐसी बातें दिल दुखाने वाली करते, अरे पंडित जी ये गाय को बछड़ा क्यों नहीं हो रहा है। पता नहीं साहब, मैं तो बड़ी सेवा करता हूं। अरे तुम्हारी सेवा से क्या होगा ब्राह्मण, बुरा मत मानना, देखो तुम्हें कोई संतान नहीं है ना, इसलिए गाय भी बेचारी परेशान। ब्राह्मण के दिल पर चोट लगती। थोड़ी देर के बाद आकर के कोई कहता, अरे ब्राह्मण देव ये तुलसी का पौधा क्यों सूख गया। क्या बताऊं साहब, बड़ी सेवा करता हूं मैं तो, अपने हाथों से पानी डालता हूं। बोले, यही तो गड़बड़ करते हो, तुम निःसंतान हो, तुम्हारे हाथ का जल तुलसी को लगता नहीं होगा। ब्राह्मण के दिल पर चोट लगी, बेचारा बड़ा परेशान रहता है। एक दिन ब्राह्मण इतना परेशान हो गया, उसने सोचा कि चलो इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊंगा। तो नदी के किनारे बैठा था मरने के लिए, मिल गए वहां एक महात्मा। महात्मा ने कहा, पंडित क्या बात है, क्यों मरने आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। बोले, महाराज मेरा नाम है आत्मदेव। महात्मा हंसने लगे कि नाम है आत्मदेव और करने आए हो आत्महत्या, क्या बात है ब्राह्मण। तब पंडित ने बताया कि महाराज मुझे कोई संतान नहीं है ना, इसलिए मैं मरने आया हूं। महात्मा हंसने लगे कि नादान बालक, राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, हाँ क्या हो जाता है पुत्रों से। देख पंडित, बड़ा सुखी है तू, वरना तो बच्चे होंगे, तेरा मोह बढ़ेगा, संसार में फंसेगा और आवागमन के चक्कर से मुक्त न हो पाएगा। ये प्रपंच बढ़ाने से अच्छा है ब्राह्मण, भगवान का भजन कर, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तेरे घर में संतान नहीं। क्योंकि दुनिया में लोग ये सोचते हैं कि पत्नी आएगी तब सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। सुख ढूंढता रहता है इंसान, लेकिन सुख संसार में कहीं मिलता नहीं।
नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिन सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। नाम बिना दुखारी नाम बिना सब जीव दुखारी नाम बिना सब जीव दुखारी। हरी नाम बिना सब जीव दुखारी नाम बिना सब जीव दुखारी नाम बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी संसार में हर किसी को लगता है कि वो हमसे ज्यादा सुखी हा? लेकिन ये सिर्फ भ्रम है प्यारे। वो तुमसे और ज्यादा दुखी है। फर्क इतना है तुम्हारा दिखाई दे रहा है और अगला छुपा कर बैठा है। बाकी सब रो रहे कौन यहां सुखी हा? किसी सूफी की बड़ी प्यारी गजल है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा। समझना बड़ा प्यारा शेर। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा क्योंकि यहां जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। सभी की दामन भीगे। किसको पत्थर मारे केसर कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। किसको पत्थर मारे सब रो रहे हैं प्यारे। हाँ कहा महात्मा ने कि ब्राह्मण मेरी बात सुन साधु बन जा बड़ा सुखी हो जाएगा। संन्यासे सर्वदा सुखम। ब्राह्मण ने कहा बस महाराज यही तो बात है। संतों के सामने कुछ अपने दिल की बात क्या कर दो वेदांत को खानना शुरू कर देते हो। हाँ महाराज आपको क्या पता कि बच्चे का सुख क्या होता है। तब महात्मा ने कहा देखो ब्राह्मण मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था। तुम्हारे मस्तक की रेखा मैंने पढ़ ली है और उसमें ऐसा लिखा है सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच। एक जन्म नहीं सात जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। ब्राह्मण बिचारा तो बेहोश होने लगा। महात्मा के चरण पकड़ दिया कि बाबा मैं कुछ नहीं जानता हूं एक बात जानता हूं महाराज कि आप जैसे संत लोग यदि चाह लेना तो विधाता के लेख को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं महाराज। कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। कजा को रोक देती है कजा यानी मौत। कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। कजा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की। ए भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। निगाहें मर्द आरम से बदल जाती है तकदीरें। निगाहें मर्द आरम से बदल जाती है तकदीरें। अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। साधु कृपा कर दे तो क्या नहीं होता है प्यारे। हाँ भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कोई संत मिल जाए और संत की कृपा हो जाए तो सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। महात्मा के चरणों में गिर करके रोने लगा ब्राह्मण। तब महात्मा समझ गए कि ऐसे नहीं मानेगा। जब तक इसको पुत्र की लात नहीं लगेगी तब तक अकल ठिकाने आने वाली नहीं। महात्मा ने कहा ब्राह्मण नहीं मानते हो तो ठीक है मंत्रित करके एक फल दिया लो ये फल खाओगे सब ठीक हो जाएगा।
अपनी पत्नी को खिला देना और कहना एक वर्ष तक धर्म पारायण रहे, सत्य बोले, विनम्रता से रहे, उदार हृदय से रहे, मधुभाषिनी बने, मृदुभाषिनी बने, तो भगवान का भजन करती रहेगी तो एक वर्ष के बाद तुम्हें ऐसी संतान होगी ब्राह्मण जो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। बड़े खुश हुए ब्राह्मण, ला करके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी हाथ में फल लेकर के सोचने लगी, ये पंडित जी भी ना कहां कहां महात्माओं के चक्कर में पड़ते रहते हैं, अरे सुखी तो हूं, पुत्र नहीं है तो हाँ, और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री तो दौड़ भी नहीं पाती, और ऐसे में कहीं घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे, ऐसे उल्टे उल्टे सोच रही है। इतने में उसकी एक बहन आई जिसको बहुत सारे बच्चे थे, तीन आगे आगे आ रहे थे, दो पीछे पीछे आ रहे थे, तीन इस साइड चल रहे थे, एक इधर बगल में चल रहा था, एक गोद में ले रखी थी और एक पेट में भी था, इतने सारे बच्चे। धुंधली ने सोचा लो इसको तो बहुत सारे बच्चे, कौन से सुखी है हाँ। तो अपनी बहन से आकर उसने कहा कि देखो बहन मैं बड़ी दुखी हूं, ये ब्राह्मण देव है ना कोई महात्माओं से फल लेकर के आते रहते, किसको खा लो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। अब देखो बहन मैं तो इस झंझट में पड़ने वाली नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, एक काम करो ना तुम अपना ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में है ये मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा। बहन ने सोचा कि सौदा तो अच्छा, क्योंकि उसके घर खाने वाले बहुत थे लेकिन खाने को कुछ न था, और यहां खाने को बहुत कुछ था तो कोई खाने वाला न था। दोनों ने सौदा कर लिया। अब हुआ यह कि दोनों ने सहमति से वो फल जो है वो उस गाय को खिला दिया जिसको कोई बछड़ा नहीं होता था। जब गाय ने फल खाया तो कुछ महीनों के पश्चात गौ माता के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। नाम है उस बालक का गौकर्ण, कान गौ की तरह हैं इसलिए गौकर्ण। और एक वर्ष के बाद जब उसके यहां बच्चा हुआ तो रात्रि के समय उसने वो बच्चा लाकर के धुंधली की गोद में दे दिया। सुबह धुंधली ने हल्ला मचा दिया, अजी सुनते हैं ब्राह्मण देव देखिए महात्मा का फल लग गया, देखो हमारे घर भी पुत्र आ गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, महात्मा को मन ही मन धन्यवाद देने लगा, धन्य है महात्मा जी बिचारे कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब नामकरण की बात आई धुंधली ने ब्राह्मण देव से कहा कि सुनो जी इस बच्चे का नाम ऐसा रखूंगी जो मेरे नाम से मिलता जुलता हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा कौन सा नाम रखेगी, बोले धुंधली का बेटा है ना इसलिए उसका नाम रखोगी धुंधकारी। पंडित ने कहा ये कौन सा नाम है, बोले मैं तो ऐसे रखूंगी। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो प्यार से रख रही रख लेने, नाम हो गया धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल, गौकर्ण महाराज तो एक नंबर के पंडित विद्वान बने लेकिन धुंधकारी बचपन से बुरी आदतों में पड़कर बिगड़ गए। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्याओं की संगति करने लगा, सारे दुष्कर्म उसके भीतर आ गए। अब हुआ ये कि पिता का जो सारा कमाया हुआ धन था ना वो सब जुए में और विषयों में बर्बाद करने लगा। इसलिए कहते हो भैया बच्चों को धन न दे पाओ तो कोई बात नहीं, धर्म जरूर देना चाहिए हाँ। यदि पुत्र लायक है तो खुद कमा लेता है, नालायक है ना तो तुम कितना भी कमा करके दे दो सब बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को धन देने के बजाय धर्म देने पर अधिक विश्वास करना। श्रीमद् भागवत ये कहती है मेरे भाई बहन बच्चों को धर्म दो। आज दुख के साथ कहना पड़ता है हम बच्चों को जन्म तो देते हैं
लेकिन उनके भीतर हम धर्म नहीं देते हैं। और यही कारण है कि जो मां अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीना रख लेती है, वही बच्चे जब नालायक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपनी मां को घर में भी नहीं रख पाते। जो मां 9 महीने गर्भ में रखती है, उसी मां को हम घर में नहीं रखते। इसलिए भागवत सुनकर मेरे भाई बहन, बच्चों को संस्कार देने का प्रयास जरूर करना। जन्म देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पशु भी जन्म दे देते हैं बच्चों को, लेकिन संस्कारित करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माता पिता सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं बच्चे के सही और गलत होने में, क्योंकि मां बाप स्वयं यदि सावधान रहें और पालने से बच्चे के भीतर संस्कार पिरोएं, वैसे ही बच्चे आगे चलकर महात्मा बुद्ध होते हैं, महावीर होते हैं, सरदार भगत होते हैं, चंद्रशेखर होते हैं, ऐसे ही बालक। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के। ऐसे संस्कार बच्चों के लिए, बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के। और आगे की लाइन में सावधान किया, रास्ते बड़े कठिन चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के, ये देश है तुम्हारा नगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हीं हो कल के। बच्चों के भीतर ऐसे संस्कार, धुंधकारी गलत रास्ते पर जाकर पिता का धन बर्बाद करने लगा। एक दिन पिता ने उसको डांट लगाई, तो आज अपने पिता को उसने पकड़कर पग प्रहार किया, पैरों से मारा अपने पिता को। आत्मदेव बेचारे बड़े दुखी हुए, बैठे थे घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे रो रहे थे, और आज उस महात्मा की बात याद आई जो महात्मा ने कही थी। आत्मदेव रोने लगे, इससे तो अच्छा होता मैं उस महात्मा की बात मान लेता। ठोकर खाई तब अकल आई, उसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र वहां आए गौकर्ण। जब अपने पिता को रोते देखा, तब गौकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी छोड़िए इस मोह झंझट को, देह स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, हाड़ मांस रुधिर मज्जा इसका बना हुआ है जो पिंड है शरीर, जिसको आप अपना पुत्र मानकर बैठे हो पिताजी, कोई यहां किसी का नहीं होता है, ये सब माया मोह के फंदे हैं पिताजी, अपना तो केवल एक ही है परमात्मा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्।
हे पिताजी धर्म को भजिए, क्योंकि सततम वही सत्य है। बाकी तो संसार मेरे भाई बहन ठीक है, रहो संसार में लेकिन भजो परमात्मा को। दुनिया से आसक्ति करोगे ना तो दुनिया एक दिन तुम्हें रुलाती ही है, याद रखना। संसार में कहीं भी मन लगाया ना रोना ही पड़ेगा। भज राधे गोविंदारे पगले, भज राधे गोविंदारे, भज राधे गोविंदारे पगले। तालियां बजाते हुए तन पिंजरे को छोड़ कहिए, तन पिंजरे को छोड़ कहिए, तन पिंजरे को छोड़ कहिए, तन पिंजरे को छोड़ कहिए। उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज राधे राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, सारी झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। सब चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, आयु के कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल गाए जोगी वाला फेरा रे। सब साथी हैं सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चाई को पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज राधे गोविंदा रे, हो भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा।
हरि बोल। और आगे की लाइन इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। प्रेम दीवानी मीरा 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 मीरा। जो शरीर हमारे आपके पास है वही मीरा के पास था, वही कबीर के पास था, वही नानक के पास, वही तुलसी के पास। हाँ, लेकिन वो लोग इस शरीर से ही धन्य हो गए। कबीर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। भजरा दे गो तारे पगले भजरा दे गो जय जय श्री राम।
धर्मम भजस्व सततम, भगवान को भजो यही सत्य है। दुनियादारी से मोह नहीं धर्म पर आ सकती हो। त्यजलोक धर्मा, देखो मजे की बात, भगवान के लिए दुनियादारी छोड़नी भी पड़े ना तो छोड़ दो। शास्त्रों ने भी इस बात को बल दिया, लेकिन गलत अर्थ मत करना। छोड़ने का मतलब घर छोड़कर भाग जाओ ऐसा नहीं, मन से छोड़ दो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, बड़ा प्यारा शेर। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। रहो दुनिया में पर कमल जैसे पानी में रहता है। पानी कमल में कभी नहीं, कमल पानी में जरूर है लेकिन पानी कमल में नहीं। तो संसार छोड़ना भी पड़े प्यारे तो छोड़ दो, लेकिन परमात्मा को नहीं। रामायण में एक बहुत प्यारा प्रसंग है, आप कभी पाठ करते होगे आपको ध्यान होगा। जब प्रभु वन जाने लगे ना तो लखन ने जिद कर लिया था कि जाओ अपनी, भगवान ने, भगवान के सामने जब लखन ने जिद किया कि मुझे चलना है, तो भगवान ने लखन को कहा कि पहले अपनी मां को पूछकर तो आओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूं महाराज, न मातृदेव भव, न पितृदेव भव, न आचार्य देव भव, न अतिथि देव भव, मैं किसी को नहीं जानता हूं। भगवान को आश्चर्य हुआ कि लखन क्या बोल रहे हो, गुरुदेव ने हमें यही तो सिखाया था ना, मातृदेवो भव पितृदेव, ये सब देव हैं, इनकी सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, और तुम कह रहे हो कि मैं किसी को मानता नहीं हूं, फिर तुम मानते किसको हो। तब लक्ष्मण जी ने रोते रोते एक बड़ी प्यारी बात कही, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जाए। महाराज मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरे केवल और केवल आप हैं, मैं एक प्रभु को जानता हूं। भगवान के मन को आनंद हुआ, और यही बात तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अरे अर्जुन छोड़ सारे धर्मों को, मेरी शरण में आ जा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन ने कहा प्रभु कैसी बातें करते हैं, सबको छोड़ दूंगा तो अधार्मिक नहीं हो जाऊंगा, आप कह रहे धर्म छोड़ दो, हाँ अरे धर्म छोड़ दिया तो अधार्मिक नहीं हो जाऊंगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि अरे नादान बालक, मैंने धर्म को छोड़ने के लिए कहा, परम धर्म को छोड़ने के लिए नहीं। और परम धर्म क्या है, सवई पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे अहितुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण को चरण, कृष्ण के चरणों को पकड़ लेना, यही परम धर्म है। तो परम धर्म के लिए धर्म छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, शास्त्र का आदेश। लेकिन धर्म के लिए परम धर्म को मत छोड़ना, परम धर्म के लिए ये धर्म छोड़ना पड़े। संसार के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो तुम्हारा धर्म है, लेकिन परमात्मा के चरणों की भक्ति करना ये तुम्हारा धर्म नहीं, ये तुम्हारा परम धर्म है। परम धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कहा गौकर्ण ने कि हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम तदलोक धर्मान, छोड़ो दुनियादारी को पिताजी। आत्मदेव ने कहा बेटे लेकिन अब ये दुनियादारी छूटेगी कैसे, तो कहा पिताजी ऐसे लोगों की संगति करो जिन्होंने दुनियादारी छोड़ रखी है। कौन है ऐसे लोग, बोले सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा करो। साधु की संगति पाई पाई रे जिसने साधु
साधु पुरुषा, साधु का मतलब भी कोई गलत अर्थ मत करना, मैं वेश की बात नहीं कर रहा हूं। वेश बनाकर साधु बनना बड़ा सरल हो गया है भाई। हाँ, हमारे हरिद्वार में मैं देखता हूं ना कि गरीब लोग खेती वेती जब अपना काट लेते हैं, फसलें पक गई, घर में आ गया, अब तीन चार महीने कोई काम होते नहीं, तो भद्र हुए, भगवा कपड़ा पहना, पहुंच गए हरिद्वार, तिलक विलक लगाया और साधुओं की मंडली में शामिल हो गए। और रोज उनका काम रहता भंडारे खाना दक्षिणा लेना, भंडारे खाना दक्षिणा लेना, और तीन चार महीने में खूब सारी दक्षिणा भरे और चले आए घर। और दुनिया उसी हरिद्वार में आकर के उनके पैर छूती है कि आह क्या बाबा जी, ये दिखावा है प्यारे, ये कोई साधुता नहीं। साधु की बात आती तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है ना कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा तिलक लगा हो, लंबी जटाएं हो, बबूत लगी हो। साधु का वेश से कोई लेना देना नहीं प्यारे। साधु का सीधा सा अर्थ है साधनोति पर कार्यम, जो दूसरे के कार्य को साधे, जो परमार्थ करे, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराए। साधु कौन है? जो मन वचन कर्म से परमार्थ करता, दूसरों के दुख में जो मदद करता, दूसरे की पीड़ा को जो अपना समझता है, साधु वो है। हाँ, केवल वेश बना लेने से साधुता कहां होती है प्यारे? फिर तो रामलीला में भी देखो साधु बनते हैं ना, क्या बढ़िया वेश होता है रामलीला में। हाँ, फिर तो वो भी साधु कहलाएंगे। साधु की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती प्यारे, पहली बात, कोई ड्रेस नहीं होती। हमारे देश में एक बहुत मस्त फकीर हुए, बड़े प्यारे संत स्वामी रामतीर्थ, उनकी बड़ी प्यारी कविता है, साधु की मौज पर उन्होंने बड़ी प्यारी कविता लिखी। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है। और आगे की बड़ी प्यारी लाइन, कभी फिरता नंगम नंगा है, कभी मौज आई तो कपड़े भी उतार दिए। कपड़े जानबूझकर नहीं उतारा, कपड़े छूट गए, क्योंकि जब परमात्मा में लौ लग जाती है ना, तो फिर शरीर का भान नहीं होता है प्यारे, खो जाता है। मैंने सुना है कि किसी ने लैला को खबर दी कि वहां मजनू बैठा है, तो लैला अपने मजनू से मिलने के लिए बड़ी तेज भागी जा रही है, और रास्ते में उसने यह भी नहीं देखा कि मेरे पांव कहां है, कहां पड़ रहे हैं पांव, भागी जा रही है। उसी समय एक मुस्लिम भाई
خدا تعالی کی بندگی کرنے کے لیے وہ چادر بچھا کر بیٹھے تھے نماز ادا کرنے کے لیے, اور لیلہ بھاگتی ہوئی آئی. اور وہ مسلم بھائیوں کی جو چادر ہوتی ہے نماز والی بڑی پوتر ہوتی ہے, اور لیلہ کو خبر نہ تھا, اس نے اس پر پاؤں رکھا اور نکلنے لگی. تو اس فقیر نے ناراض ہو کر کہا کہ دشت عورت, تجھے دکھائی نہیں دے رہا میں خدا تعالی کی بندگی کرنے بیٹھا ہوں اور یہاں تو پاؤں رکھ کر جا رہی. تو لیلہ نے شمع مانگی, بابا مجھے ایک شمع کریے گا, مجھے خبر نہیں, اصل میں میرے پریتم کو ملنے جا رہی ہوں اور اتنی خوشی ہے بابا کہ میرے پاؤں کہاں پڑ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, لیکن آپ خدا کی بندگی کرنے بیٹھے ہیں اور آپ کا دھیان خدا پر ہونا چاہیے, آپ کا دھیان چادر پر کیسے ہے بابا؟ میں سادھارن پریمی کو ملنے جا رہی ہوں اور میرے دھیان میرے پاؤں پر نہیں ہے, اور آپ اس پروردگار کی بندگی میں بیٹھے ہیں پھر بھی آپ کا دھیان چادر پر. پریم وہ ہوتا ہے پیارے جہاں تن اور من کی سدھی بھول جائے. کبھی پھرتا ننگم ننگا ہے, جو مل جائے سو چنگا ہے, جنگل میں جوگی بستا. سوامی رام چرت اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے, بادشاہ رام. ایک بار امریکہ گئے پروچن دینے, تو جب لوٹنے لگے تو جس جہاز میں وہ واپس آ رہے تھے نا, اسی جہاز میں امریکہ کا راجہ بھی آنے والا تھا. تو کسی نے سوامی رام چرت کو کہا کہ بدھائی ہو مہاراج, آپ بڑے قسمت والے ہیں. کیوں؟ ارے بولے, جس جہاز میں آپ جانے والے ہو نا, اسی میں یہاں کا کنگ جانے والا. تو سوامی رام چرت نے کہا کہ میری ٹکٹ کینسل کرواؤ. لوگوں نے کہا کہ حد ہو گئی, بڑی مشکل سے آپ کو ایسا موقع مل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ٹکٹ کینسل کرو. بولے ہاں کینسل کرو میری ٹکٹ, لیکن آخر کیوں؟ بولے اس لیے کہ ایک جہاز میں دو بادشاہ نہیں جائیں گے. دو بادشاہ کون؟ بولے وہ تو ایک امریکہ کا بادشاہ ہے نا, میں تو برہمانڈ کے مالک کا بیٹا ہوں, تو میں تو کتنا بڑا بادشاہ ہوا. اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے. تو کسی نے ان کو پوچھا کہ بادشاہ کے پاس تو نوکر چاکر ہوتے ہیں, خود سے نہانا بھی نہیں پڑتا ان کو. ہاں ارے بولے مجھے بھی کہاں نہانا پڑتا ہے, مجھے بادل سنان کراتے ہیں. یہ بادل آ کر سنان کرا جاتے ہیں مجھے, مجھے خود کہاں نہانا پڑتا ہے. تو کسی نے کہا اچھا ٹھیک ہے بادل سنان کراتے ہیں, لیکن راجہ مہاراجہ کے دربار میں گیت گانے والے کبھی بھی ہوتے ہیں جو راجہ کا من بہلاتے ہیں. بولے میرے پاس بھی ایسے کبھی ہیں. کون؟ مجھے پنکھی گیت سناتے. جب کبھی من نہیں لگتا تو یہ بگیچے میں جتنے وکش ہیں ان وکشوں پر بیٹھے پکشی مجھے اپنی مدھر آواز میں گیت سناتے ہیں. جو مل جائے سو چنگا ہے, جنگل میں جو جی بستا ہے. یہ سادھو کا جیون ہے پیارے. ہاں بڑی مستی فقیری ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنی دھن دولت ہوتی ہے پھر بھی ہم بوجھے بوجھے رہتے ہیں. سادھو کے پاس ایک لنگوٹی ہوتی ہے پھر بھی بڑی مستی ہوتی ہے اس کے پاس. ہمارے ایک بڑے اچھے سنت جو ابھی بھی بیچارے نہیں رہے, آچاریہ شری ترون ساگر جی مہاراج, جین پرمپرا کے سنت تھے, بڑے مست بابا. کسی پترکار بھائی نے ان کو ایک بار پوچھا کہ بابا آپ کا ایڈریس کیا ہے, کہاں رہتے ہیں؟ تو پوجیہ ترون ساگر جی مہاراج نے کہا کہ بھیا میری تو ڈریس ہی نہیں ہے تو ایڈریس کہاں سے ہوگا, کپڑے بھی نہیں پہنتا ہوں, پھر مکان کہاں رکھوں گا؟ جب سادھو کی ڈریس ہی نہیں پیارے تو ایڈریس کا خاک ہوگا. ہاں
जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही ए अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत सत्कार्य करे और चुप रहे, सत्कार्य करे और चुप रहे, कितनी बड़ी बात है सत्कार्य करके चुप रह जाना। हा? हम 5 रुपए भी देते हैं ना कहीं, तो 10 बार अनाउंस करवाते हैं कि फला भाई ने 5 रुपए का नोट दान दिया। मैंने तो देखा है कि लोग किसी मंदिर में पत्थर भी लगवाते हैं ना, तो वहां भी नाम लिखवा कर। क्यों दुनिया को दिखाते हो प्यारे? हाँ, मालिक ने तुमको इतना दिया, उसने कहीं नाम लिखवाया? और हम लोग भगवान के मंदिर में दान देते हैं तो इतना लिखवा दे रहे थे, भगवान को भी हंसी आती होगी हाँ कि मैंने तुझे इतना दे दिया, कहीं मैंने नाम नहीं लिखा, और तू एक पत्थर लगा रहा उसमें भी नाम। सत्कार्य करे और चुप रहे, सत्कार्य करे और चुप रहे, चाहे छाव मिले या धूप रहे, चाहे छाव मिले या धूप रहे, निष्क्रिय ही बनी जग में बिचरे, निष्क्रिय ही बनी जग में बिचरे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद करे, आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। तो साधु वो है मेरे भाई बहन जो भीतर से साधु है, हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं। कही तात सोई परम विरागी, तीन समचित तीन गुण त्यागा, जो भीतर से त्यागा हो। ऊपर ऊपर से त्याग दो और भीतर लालसा बनी रहे, वो त्याग कहाँ? हाँ, त्याग वो है जिसने भीतर से त्यागा है प्यारे। कही तात सोई परम विरागी। अब कोई कहे कि मैं खीर नहीं खाता, छोड़ दिया खीर, क्यों? हम बोले मिले तब तो खाएं, मिलती ही नहीं, वो कोई त्याग नहीं हुआ। त्याग वो है जिसने कही तात सोई परम विरागी, तीन समसी तीन सोई
पिता से कि हे पिताजी साधु की संगति करिए, ऐसे साधुओं की जिन्होंने दुनियादारी छोड़ी। बोले लेकिन बेटे ऐसे साधु के पास तो हम रोज ही बैठते हैं लेकिन कुछ होता तो है नहीं। तब गौकर्ण ने कहा पिताजी साधु की संगति करने का एक तरीका है, एक नियम है। क्या? बोले मन में कोई कामना न लेकर जाओ तो सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, कोई तृष्णा लेकर मत जाओ। लेकिन आप दिल से बताओ साधु बाबा जी कोई मिल जाए तो हम बगैर मांगे रहते हैं क्या? कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो मांगते ही कि महाराज आशीर्वाद दे दो। कोई कामना न हो, साधु की संगति करो केवल प्रेम से, बदले में कोई कामना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। आत्मदेव ने कहा कि लेकिन बेटे अब संसारी हैं, दुनियादारी के लोग हैं हम लोग, कामना तो रहती है ना मन में। गौकर्ण ने कहा पिताजी संसारी होने के कारण कामनाएं नहीं आती हैं तो दूसरों को देखकर कामनाएं आती हैं। पड़ोसी के घर में मोटर कार आ गई तो हमको लगता हमारे घर में क्यों नहीं है। इसलिए हे पिताजी दुनिया को देखना ही बंद करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशम, किसी के गुण को किसी के दोष को देखो ही मत। बोले लेकिन बेटे आंख है तब तो दिखाई तो पड़ेगी ना। आत्मदेव ने जब ऐसा कहा गौकर्ण हंसने लगे कि पिताजी आदमी अपनी आंखों से तो देखता ही है लेकिन कब? जब खाली बैठा रहता है तब। खाली बैठो ही मत तो करें क्या? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व, जब भी मौका मिले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, जब भी समय मिले पुकारो हरि नाम नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण रहने से देखो एक फायदा होता है, कथा में नींद नहीं आती। हाँ, इसलिए कोई चुप न रहे। मुझे एक बार एक महात्मा ने कहा था जब मैं छोटा था कि बेटे कथा करते हो ना तो बीच बीच में कीर्तन भी कराया था। मैं उस वक्त छोटा था, मेरी समझ में बात नहीं आई कि कथा के प्रसंग में अचानक कीर्तन क्यों बाबा। महात्मा ने मुझे कहा था कि बेटे बीच बीच में कीर्तन करा देने से ना किसी के मन में कदाचित कोई पाप होता है तो वो निकल जाता है। तो मैंने कहा कि इतने सारे श्रोता बैठे रहते हैं, मान लो सभी के मन में पाप हो और इतना पाप निकल ही जाए तो इतना सारा पाप जाएगा कहां। छोटा बच्चा था, मेरी बुद्धि ऐसी थी। तो महात्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि पाप कहे भगवान सो मोकु ठाव बताओ, मुझे रहने का स्थान बताओ। पाप ने भगवान से कहा, पाप कहे भगवान सो मोकु ठाव बताओ। तो पता है भगवान ने क्या कहा? जो कीर्तन में चुप रहे वाके मुंह में जा। श्रीमन नारायण हरि बोल, श्रीमन नारायण।
अब सब गा रहे हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 स्वामी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जब भी समय मिले मेरे भाई बहन हरि नाम पुकारो, सेवा कथा रस महो नितराम पिबतवन नित्य पियो। कथा एक दिन नहीं है, रोज होनी चाहिए। भोजन रोज करते हो ना तो भजन भी रोज करो, एक दिन नहीं। मैं देखता हूं नवरात्रि आती है ना तब इतनी भक्ति में बाढ़ आ जाती है, हाँ इतने भगत दिखाई देते हैं। ओहो जैसे ही नवरात्रि गई भक्ति गई, फिर वही दुनियादारी चालू। हाँ नवरात्रि में तो इतने भगत जी होते हैं, क्या नवरात्रि छोड़ो श्रावण का महीना देखो ना। यहां बिहार में ही भोले बाबा है ना वैद्यनाथ भगवान, श्रावण में हाँ श्रावण में इतने भोले बाबा के भक्त प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखो बम भोले बम भोले बम भोले, सब भगवे कपड़े, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा भगत है ही नहीं कोई। और जैसे ही श्रावण गया फिर तो भोले बाबा बेचारे इंतजार में रहते कोई भगत आए। हर मंदिर पर श्रावण में जल चढ़ाया जाएगा, और जैसे ही श्रावण गया बेचारे बाबा बैठे, चिड़िया कूद रही है ऊपर, कौन कूद रहा है कोई मतलब नहीं किसी भगत को। ये भक्ति कहां है प्यारे? भक्ति को सीजनल मत बनाओ, भक्ति को मासिक मत बनाओ, मौसमी भक्ति नहीं होनी चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या भक्ति सदैव होनी चाहिए, हर रोज करो। जब भी मौका मिले पुकारो परमात्मा को। भोजन रोज करते हो तो भजन भी रोज करो प्यारे। हाँ माना कि नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फिर बाद में सो ही दाओ। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, हे पिताजी नित्य भजिए, नित्य सेवा कथा रस पान करिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इतना प्यारा उपदेश दिया, आत्मदेव को वैराग्य हो गया और आधी रात को ही आत्मदेव घर छोड़कर चले गए। बाद में गौकर्ण महाराज ने भी सोचा कि भाई मेरे जैसे तो मेरे पिताजी ही थे, जब वो ही घर में नहीं रहे तो मैं क्या करूं। तो गौकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल दिए। अब घर में धुंधकारी और धुंधली ये दो बच्चे। धुंधली थोड़े दिनों तक अपने पुत्र का व्यवहार देखती रही। एक दिन उसकी मां ने भी समझाया, धुंधकारी ये क्या करते हो बेटे, पिता ने बड़ी मेहनत से धन कमाया था और तुम सब जुए में बर्बाद कर रहे हो। तो उसने बाल पकड़ करके अपनी मां को भी धरती पर पटका और अपनी मां को भी पग प्रहार किया, पग से मारा। धुंधली ये बर्दाश्त न कर पाई और धुंधली ने इस दुख के आहत होकर आंगन में कुआं था उसमें कूद कर उसने आत्महत्या कर ली। पिताजी चले गए साधु बन गए, बड़ा भाई तीर्थ यात्रा पर निकल गया, मां थी वो भी आत्महत्या कर ली,
अवधुंधकारी स्वतंत्र हुआ। और ध्यान देना, दुष्टता को स्वतंत्रता मिल जाए ना तो स्थिति बड़ी भयानक होती है। और वही हुआ, एक तो दुष्ट ऊपर से स्वतंत्र। और याद रखना, स्वतंत्रता में बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, बनने के कम। धुंधकारी और बिगड़ गए। अब तो पांच वेश्याओं को घर में ही लेकर आ गया और पिता का सारा धन उन पर बर्बाद करने लगा। वेश्याओं को तो धन ही चाहिए, जब धन कम हो गया तो प्रेम कम हो गया, प्रेम का दिखावा करती रही वो। तो धन के लिए अब उसने एक नया पाप शुरू किया, चोरी करना शुरू किया। और लोगों के छोटे मोटे घरों में चोरी करते करते राजा के यहां भी चोरी की। तब वेश्याएं डर गईं कि कहीं ये चोरी करते पकड़ा गया ना तो इसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। इसलिए आज रात्रि में पांचों वेश्याओं ने मिलकर बड़ी बेरहमी से धुंधकारी का ही कत्ल कर डाला। पहले तो सोए हुए में उसके मुख में जलती हुई अग्नि डाल दी, फिर भी न मरा। गला दबाकर मारना चाहा, फिर भी न मरा, तो हाथ पग बांध कर कुएं में धक्का दे दिया। तड़प तड़प कर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया, तड़पा कर मार डाला और सारा धन लेकर के चंपत हो गई, भाग गई। अब चूंकि धुंधकारी अकाल मृत्यु से मरा है ना, इसलिए प्रेत बना। और ध्यान से सुनना, अकाल मृत्यु से मरने वाले की गति नहीं होती, सदगति नहीं होती, प्रेत योनि में जाना पड़ता है उसको। प्रेत बना। यहां जब गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पर निकले थे और उनको जब पता चला कि मेरे भाई की ऐसी ऐसी हत्या हो गई, बड़ा दुख लगा उनको, तो अपने भाई के नाम से उन्होंने गया में जाकर श्राद्ध किया, तर्पण किया। और बहुत समय तक तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन गोकर्ण महाराज अपने गांव लौटे। रात हो गई थी आते आते, अपने घर को देखा हो तो खंडहर में बदल चुका है, बड़ी बड़ी घास जमी थी। सोचने लगे अपने घर को देखकर कि चलो अब रात्रि किसको परेशान करूं, इसी घर में ही विश्राम करता हूं। आसन बिछाए और उसी में विश्राम करने लग गए। आधी रात को धुंधकारी उसी में रहता है, प्रेत बनकर, तो अलग अलग रूप लेकर गोकर्ण महाराज को डराने लगा। सक्रिन में सक्रिधस्ति सक्रिच महिषो भवत, सक्रिदिंद सक्रिताग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी भैंसे का रूप लेकर, कभी घोड़े का रूप लेकर, कभी सिंह का रूप लेकर, कभी मनुष्य बनकर। जब गोकर्ण महाराज न डरे तब धुंधकारी मनुष्य के रूप में प्रकट होकर खड़ा हुआ। गोकर्ण महाराज ने पूछा, कौन हो भाई तुम, क्यों डराना चाह रहे हो मुझे? बोल नहीं पा रहा था, तब अपने कमंडल का जल हाथ में लिया और मंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ा, तो अचानक धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामतः। बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी। गोकर्ण को आश्चर्य हुआ, धुंधकारी? लेकिन बेटे, मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था, तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। तब धुंधकारी ने कहा, बड़े भैया, गया में श्राद्ध करने से जो छोटे मोटे पापी हैं ना वो तर जाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े वाले पापी हैं ना भाई, 100 गया श्राद्ध से भी उनकी मुक्ति नहीं होती। गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिरमेन भविष्यति। जो जघन्य पापी हैं, जिसने जघन्य पाप किया है, 100 गया श्राद्ध से भी वो मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए भैया, मेरे लिए कोई और उपाय करो। गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, हम सुबह विचार करेंगे। और पूरी रात गोकर्ण महाराज को नींद नहीं आई, चिंता सताती रही। सुबह स्नान करने गए और
तुंगभद्रा नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने लगे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तब भगवान आदित्य प्रसन्न होकर गौकर्ण महाराज के हृदय में प्रकाश किए, आवाज दिया, पुत्र गौकर्ण, सौ गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं है उसकी मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हो ना। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत सप्ताह का वाचन करो पुत्र, ये मुक्त करेगी उसको। गौकर्ण महाराज बड़े खुश हुए, सोचा कि अब वाचन करने के लिए कुछ किसको बुलाऊं, मैं ही वाचन करूंगा। तो तुंगभद्रा नदी के तीर पर ही बड़ा सुंदर पांडाल लगाया, व्यास गद्दी लगाई, स्वयं व्यास बने और गांव वालों को आमंत्रित करके कथा सुनाने के लिए बैठे। आरंभ हुई कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की। दुंदकारी भी वहां आकर के बैठा, लेकिन अब पृथ्वी तत्व शरीर में नहीं है ना, इसलिए हवा उसको उड़ाकर ले जा रही है। बार बार बेचारा बैठता है और बार बार हवा उड़ाकर ले रहा है। तब सात गांठों वाला एक बांस का टुकड़ा पड़ा था, दुंदकारी आकर उसके छिद्र में बैठ गया और पहले दिन की कथा बेचारा वहां बैठकर सुना। शाम हुई, धड़ाम की आवाज आई, गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा, फिर वहीं बैठा वो, ऐसे सातों दिन सातों गांठें टूटती गई और अंतिम दिन दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और भागवत जी की परिक्रमा करके प्रणाम करते हुए मुक्त कंठ से भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है महाराज भागवत की कथा, मुझ जैसे प्रेत को भी जिसने मुक्त कर दिया। संसार में भागवत के समान और कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। मन को शुद्ध करने के लिए इससे बढ़िया ग्रंथ और कोई नहीं। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। और अभी महिमा गा ही रहा था, इतने में भगवान के पार्षद विमान लेकर चले आए और बड़े आदर के साथ धुंधकारी को लेकर जाने लगे। गौकर्ण महाराज ने कहा, ओ भाई, ये मेरे भाई को लेकर कहां जा रहे हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज, इन्होंने कथा सुनी है ना, मुक्त हो गए हैं, भगवत धाम को जा रहे हैं। तो गौकर्ण महाराज ने कहा कि कथा क्या केवल इसी ने सुनी है? हाँ, यहां तो बहुत सारे श्रोता बैठे थे, सभी ने कथा सुनी है और विमान केवल इसी के लिए? तो पार्षदों ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सुनी तो सभी ने, नो डाउट, लेकिन जिस भाव से इसने सुना है ना, इस भाव से किसी ने नहीं सुना। और बात हकीकत है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। अब यहां जितने बैठे हो सुनने के लिए, ये जरूरी थोड़ी कि सभी सुन ही रहे। हाँ, कई लोग, अच्छा मान लो अंतिम दिन विमान आ ही जाए और आपसे कहा जाए कि आपने कथा सुनी है ना, चलिए भगवान के धाम, तो कई लोग उसमें ऐसे कहेंगे, नहीं नहीं महाराज, मैं सुनने नहीं आया था, मैं तो देखने आया था, सुनने वाले को ले जाओ ना। सुनते तो सभी हैं भाई, लेकिन सब अलग अलग भाव से सुनते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि सबके मन में मोक्ष की कामना हो,
कोई इसलिए आता है कि चलो कथा में जाऊंगा तो पुण्य मिलेगा, कई लोग इसलिए भी आते हैं कि चलो ये बढ़िया धार्मिक काम है, कथा में चलेंगे हमारे पूर्वज खुश होंगे, कई लोग इसलिए भी आते हैं कि कथा में बैठकर थोड़ा ज्ञान मिलेगा, अब कई लोग इसलिए भी आ जाते हैं घर में टाइम पास नहीं होता क्या करूं चलो कथा में बैठ जाता हूं। तो कथा तो बहुत सारी फल देती है ना, जिस भाव से सुनोगे भैया उस भाव का फल कथा देती है। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तु कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सभी करते हैं लेकिन मनन कोई नहीं करता है। कथा में बैठ करके हम सुनते बहुत हैं हाँ, लेकिन वही बात सुनते हैं जो हमारे मतलब की है, वरना सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। बंबई से एक भाई ने अपने मित्र को फोन किया, कहा कि हेलो भैया विनोद। हाँ हाँ मित्र बोल रहा हूं मैं, बोलो बोलो कैसे हो। अरे यार क्या बताऊं मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, थोड़ी मेरी मदद करोगे। बोले हाँ हाँ तुम कहो तो सही, क्या चाहिए। उसने कहा कि और कुछ नहीं 5,000 रुपए चाहिए थे। तो ये जो विनोद है इसने कहा क्या, मैं सुना नहीं। बोले 5,000 रुपए चाहिए थे। मैंने कहा यार लगता है नेटवर्क गड़बड़ जा रहा है, फिर से बोलो। भाई मुझे 5,000 रुपए चाहिए, बड़ी मुसीबत में हूं। मैंने कहा लगता है टेलीफोन की लाइन गड़बड़ हो गई है, सब उल्टा पुल्टा सुनाई दे, फिर से बोलो क्या क्या बोल रहे हो। वो बेचारा 10 मिनट चिल्लाता रहा 5,000 5,000, उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो बीच का जो ऑपरेटर है जो दोनों तरफ की बातें सुन रहा था उसको बड़ी गुस्सा आई। उसने कहा नालायक, ना मौसम खराब है ना बारिश हुई है, मैं इतने अच्छे क्लियर सुन रहा हूं और ये कह रहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो उसने बीच में टेलीफोन की लाइन रोक कर उसको पूछा कि क्यों रे नालायक, मैं इतनी आसानी से सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं 10 मिनट से बेचारा चिल्ला रहा है 5,000 तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं सुना रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। उसने कहा ओ भाई तुझे सुनाई देता तो तू ही दे देना 5,000, हमें सुनाई नहीं देता है, हमें वही सुनाई देता है जो हमारे मतलब की है। कथा में भी मैंने देखा है लोग वही सुनते हैं जो उनके काम की है, बाकी सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जिस भाव से धुंधकारी ने सुना है भाई उस भाव से कथा सुनी जाए तो निश्चित ही है भागवत हमें मोक्ष देती है। यह श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन है, यह है श्रीमद् भागवत। बाद में गौकर्ण महाराज ने फिर से कथा कही और अब की बार सभी ने मोक्ष की भावना लेकर कथा में विराजमान हुए और परिणाम यह हुआ कि अंतिम दिन भगवान के हजारों विमान वहां आए और सभी लोग वक्ता श्रोता समेत सब भगवान के विमानों पर बैठे और भगवत धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यह है भागवत जी का महात्म्य।